रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में 63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। प्रदेश के 15 लाख किसानों ने समर्थन मूल्य में अपना धान बेचा है। धान के एवज में किसानों को 13,283 करोड़ का भुगतान हुआ है। कस्टम मिलिंग के लिए 38 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, धान की खरीदी को लेकर सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो धरातल पर नजर भी आए। अभी तक धान खरीदी को लेकर कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्या किस तरीके की कोई शिकायत? देखिए बुसरा, 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुई थी और लगभग अब धान खरीदी को शुरू हुए 2 महीने होने जा रहे हैं। सरकार ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा है और अब तक की जानकारी निकल कर सामने आई, उसके मुताबिक 63.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, यानी जो लक्ष्य का 0.5% है वो लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ये कोशिश होगी कि 110 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा जाए। सरकार के दावे हैं कि 110 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा इस बार खरीदी होगी। पिछली बार हमने देखा था बुसरा की बारदाने की कमी हुई थी, कई सारी व्यवस्थाएं धान खरीदी केंद्रों से निकलकर आई थी, लेकिन इन 2 महीनों में ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है जो अव्यवस्था को दर्शाता हो। वहां पर सुचारू रूप से धान खरीदी हो रही है और धान का उठाव भी उतनी तेजी से सरकार कर रही है। अगर बात की जाए तो 15.93 लाख किसानों ने अब तक धान बेचा है और धान के एवज में 13,283 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार इनको कर चुकी है, यानी काफी तेजी से और सुचारू रूप से जो धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी है वो चल रही है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था जैसी कोई खबरें फिलहाल निकल कर सामने नहीं आ रही है। चलिए, यही मन बने रहिए आप हमारे साथ, अगली खबर पर लौट रहे हैं आपके पास।